हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब आए हो, बच्चे होंगे? मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, सुबह के 9 बज रहे हैं और आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे है प्रॉब्लम ठंडी से, मुझे है अस्थमा, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई खास काम भी नहीं रहता है मुझे सुबह, क्योंकि बेटे का कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं तो कभी कभी जाता है, बीच में गैप रहता है, तो आज है गैप इसलिए मैं उठी हूँ लेट। तो देख सकते हैं मैंने झाड़ू लगा ली है, पोछा के लिए पानी भरा है। अब जाती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ फटाक से, फिर नहा के फिर डायरेक्ट ही मैं खाना बनाऊँगी। जैसे कि आप लोग को पता है मैं ब्रेकफास्ट बनाती नहीं हूँ, तो डायरेक्ट खाना बनेगा है ना। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा फटाक से। बेटा भी सोया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, उस रूम की लाइट हो गई है खराब, इसलिए उस रूम में है अंधेरा। तो फटाक से मैं लगा लेती हूँ पोछा। फ्रेंड ठंडी बहुत है, पर मैंने कपड़े नहीं पहने। देखो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पानी गर्म करना रख दियो, मैं जाऊंगी नहाने, मेरा काम हो चुका है। मैं जाऊंगी नहाने फ्रेंड्स, मेरे से वाटर हीटर जल जाता है बार बार। मेरे 3 वाटर हीटर जल चुके हैं, चौथा है, मैं उनको दिखा देती हूँ, रखा भी है जल के। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो इतने वाटर हीटर, कम से कम 3 महीने में 4 वाटर हीटर जल जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं कितनी भी सेफ्टी से करूँ पर वाटर हीटर जल ही जाते हैं। यहाँ भी 2 खराब हो चुके हैं, 3, ये चौथा है। तो मैं कर लेती हूँ, जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं कपड़े धुल लेती हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा नहीं की हूँ अभी, और पूजा आज मेरा बेटा करेगा। और बेटे ने कहा है आज बनेगा आलू का पराठा, तो जा रही हूँ अब आलू उबालने रखूँगी और उसके बाद बनाऊँगी आलू का पराठा। चलते हैं हम लोग आलू उबालने रखते हैं। मैंने तो सोची थी नॉर्मल सी पूरी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि आज तो दाल चावल बनेगा नहीं, क्योंकि आज है एकादशी। तो कोई बात नहीं, रख देते आलू उबलने के लिए, उसके बाद देखते हैं आलू है कि नहीं। मेरे सब्जी भंडार में देखते हैं। आलू तो बहुत कम दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसके लिए हो जाएगा। तो निकाल लेती हूँ आलू। तो देख सकते हैं इतने ही आलू हैं, काफी है 2 जन के लिए, है ना। तो देख सकते हैं नया आलू है, नया आलू मेरा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो खाती है तो मुझको 2-3 खाने से अच्छी लगती है। तो मैंने इसे उबलने रख दिया है और अभी मैंने इसका ब्रेकफास्ट तैयारी नहीं किया। देख सकते हैं चना है, मोठ है, चना को भी उबलने रखूंगी, थोड़ा सा बॉइल ज्यादा दिखाता है। इसमें ड्राई नट्स है, देख सकते हैं अखरोट है, छुहाड़ा बादाम है इसमें, और इसमें काजू मुनक्का, सबको नहीं कष्ट नहीं खाता है इसीलिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं उसको इकट्ठा ही भिगा दूंगी ना तो बेटा मेरा खाता नहीं, इसलिए सब चीज को मुझे अलग अलग भिगाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले दूसरे तरफ गैस में चना को उबलने के लिए रख देती हूँ, देख सकते हैं, और फिर इसको मैं उबलने के लिए रख दूंगी। जब तक ये हल्का सा उबल जाएगा तब तक मैं जो ड्राई नट्स पानी से भिगाया है, बादाम बहुत अच्छा आ रहा है, उसको दूध में भिगाया है, तो उसको निकाल कर और रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बेटा बोल रहा है कि जब तक नहाएगा नहीं ना तो खाएगा नहीं, तो उससे ना मैं भी टाइम है कि उसका, क्योंकि उसका पानी हो रहा है गर्म,
थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा उसके पात्र बहाने जाएगा, तब तक मैं रख लेती हूँ अपना दूध गर्म करके रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा दूध है उसे रख दूंगी और फिर बनाऊंगी उसमें चाय, मैं पीऊंगी चाय, उसके लिए दूसरे तरफ रख लूंगी चना। जब तक मैं ड्राई नट्स को छील छील के रख देती हूँ, तो देख सकते अभी जब तक ठंडियाँ चलेंगी तो यही ड्राई नट्स लेता है, थोड़े से मैं भी ले लेती हूँ और ये चना यही ब्रेकफास्ट में लेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तो दोपहर के लिए होंगे वो, दोपहर में खाएंगे आलू के पराठे। इसको छील कर रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा छील के रख दिया है, अब वो नहा के आएगा और खा लेगा। अब मैं प्रिपरेशन करती हूँ आलू के पराठे की। तो मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि जब तक चाय ना पिए दिन की शुरुआत नहीं होती, मन नहीं लगता है, इसलिए मैं चाय बना लेती हूँ। सबसे पहले शक्कर होगी चाय पत्ती, मैं मुझे काफी दिनों से बना रही हूँ तो मुझे अंदाजा है, इसलिए मैं चम्मच का नहीं हैंड का यूज करती हूँ। मेरा बेटा देखेगा तो बोलेगा इतनी सारी चाय, ये इसको मैं तीन बार पीऊंगी। थोड़ी सी डाल देती हूँ अदरक, अदरक मेरी चाय पत्ती है, आप ब्लॉग में बनी रही है। अरे नहीं नहीं मैं रो नहीं रही, एक्चुअली में ना मैंने पराठे में डालने के लिए प्याज काटा है, ये प्याज ना बहुत रुलाती है। क्या आपको भी प्याज काटते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपको भी आपकी प्याज रुलाती है, कमेंट में लिख के बताइएगा, मुझे तो बहुत रुलाती है। तो आलू अभी थोड़े से बाकी है, थोड़ा मतलब कसर बाकी है इसमें उबलने के लिए, थोड़ा और टाइम लगेगा, 10 मिनट और लगेगा। इधर मैंने चना उबालने के लिए रख दिया है और देख सकते हैं मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं चाय छान के पीऊंगी। मैंने प्रिपरेशन कर लिया, आलू जैसे ही पक जाएंगे तो छील के पराठे बनाने की तैयारी करूंगी, जब तक मैं चाय पी लेती हूँ। चाय को छान लेती हूँ, जब तक आलू उबल जाएंगे उसके बाद मैं उन्हें छील के और रेडी करूंगी पराठे बनाने के लिए। तो आप लोग को भी अगर चाय पीनी है तो आ जाइए, और पराठे खाने हो तो भी आ जाइए जल्दी जल्दी। और इसको हम छील लेते हैं, काफी गर्म है, देख सकते काफी गर्म है, इससे धुआं भी निकल रहा है। तो आप इस तरह से, आपके पास फोर्क होगा ना, फोर्क में गड़ा के इस तरह से छील सकते हैं, तो आपका हाथ भी नहीं जलेगा। ये मेरी अपनी ट्रिक है, आप भी आजमा सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही छीलती हूँ। और आलू जब गर्म रहता है ना तो फटाफट छीलते उतर जाता है, वरना ठंडा होने के बाद, हालांकि ठंडी में तो पता ही नहीं चलता कि गर्म है या ठंडा है, जब अच्छे से जलता है ना तब पता चलता है कि हाँ जलता है। तो फ्रेंड्स आलू मैंने सारे के सारे छील लिए हैं, बकायदे छील गए हैं, अब इनको हल्का मैं इसी फोक से ना ऐसे फोड़ देती हूँ, तो हाथ भी गर्म नहीं होगा, तो सारे हाथ भी नहीं जलेगा और ये फूट भी जाएगा। ऐसे ही करके मैं इसे ऐसे फोड़ दूंगी, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा से कर दूंगी ना फॉक से, तो हाथ भी नहीं जलेगा और आराम से हो जाएगा। पकड़िए और ऐसे बढ़िया से, फ्रेंड्स ये काफी गर्म है इसलिए तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। इसमें मैं कुछ मसाले मिला लूंगी,
फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ मसाले मिलाए हुए हैं। इसमें है हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये डाल रही हूँ मिर्च, थोड़ा सा अदरक और बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल के इसको मैं मिक्स कर दूंगी और इसके मैं बॉल्स बना के रख लूंगी ताकि बाद में मुझे इसे भर के हम उसको पैक करना पड़े, ज्यादा कुछ ना करना पड़े। इसको तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैं हरा धनिया नहीं डाली हूँ। इसमें आप हरा धनिया डाल सकते हैं, बथुआ डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, मेथी की पत्तियाँ तोड़ के डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था तो मैं सिर्फ आलू का ही बना रही हूँ और मेरे पास धनिया की पत्ती नहीं थी तो मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस तरह से इतने बड़े बड़े मैं लड्डू बना के रखूँगी ताकि मुझे सिर्फ पेड़ों में ना भरने की ज़रूरत रहे, बस घर भर के जल्दी, तो इस तरह से ना मुझे जल्दी होगा। मुझे ना आलू के पराठे में ना आलू भर भर के चाहिए होता है, इसलिए मैं बड़े बड़े लड्डू बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसके लड्डू बना के रख लिए हैं ना, मैं एक एक लोई बनाते जाऊंगी उसमें भर के और उसको बनाते जाऊंगी जल्दी जल्दी। तो देख सकते हैं अब मैं लगा लेती हूँ आटा फटाक से क्योंकि टाइम क्या हो रहा है फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है दोपहर का खाना, अभी तक मैं बना नहीं पाई हूँ तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ आटा और उसके बाद बनाती हूँ पराठा। फ्रेंड्स मीम बन गया, लगा लेती हूँ फटाफट आटा, बन जाएगा पराठा। तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेना, मैंने डाल लिया है। मैं इस तरह से इसकी कटोरी बना लूंगी। देख सकते हैं इस तरह से मैंने कटोरी बना ली है और फिर इसके अंदर एक एक लड्डू डालते जाऊंगी इस तरह से। एक्सेस होगा तो उसे हम निकाल देते हैं। और हम इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, हल्के हाथों से बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आलू का पराठा बन चुका, जगह ही नहीं है, यहाँ पे आ रही है धूप, यहीं पे बैठ के खाएंगे, आज कोई खास धूप नहीं है, बादल जैसा है, तो देखिए यहीं पे बैठ के खाते हैं। तो चटनी के लिए तो कुछ था नहीं मेरे पास, तो सॉस है टमाटो सॉस, उसी में खा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं तो खा पी के सो गई थी, ब्लॉग को कंटिन्यू कर ही नहीं पाई और अभी शाम को उठी तो गई थी थोड़ा सा मार्केट सब्जी लेने के लिए, वहां से आई हूँ। फ्रेंड्स मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से कि आप लोग को मैंने ब्लॉग में बताया था कि मेरी दीपावली में जो मैंने साड़ी पहनी थी येलो कलर की वो ना जल गई थी दीपक की वजह से, काफी सारी जल गई थी, तो उसका क्या करूं मैं। मैंने उसका सोचा कि मैं अनारकली सूट बनवा लूं बट उसका प्राइस काफी हाई बता रहा है, 1000 उसकी स्टिचिंग फी है, तो क्या करूं, बनवाओ या रहन दो। प्लीज फ्रेंड्स आप लोग मेरे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, प्लीज़ फ्रेंड्स हेल्प करिएगा ना। हालांकि मैं दे के आई हूँ उसके पास, टेलर के पास अपना नाप भी दिया है मैंने और साड़ी भी दे के आई हूँ, उन्होंने कहा बन तो जाएगा बट रेट इतना ज़्यादा बता दिया है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि मैं उसे बनवाऊँ या रहने दूँ, है ना। और अभी पराठा रखा हुआ भी है
तो देखती हूँ शाम को क्या बनाती हूँ। फिलहाल तो मैं भी पीऊंगी चाय। मेरी पूरे दिन की एंडिंग शुरुआत चाय से और एंडिंग भी चाय से। तो फ्रेंड्स, आप लोग की तरफ ठंडी कैसे पड़ रही है? मेरे यहाँ तो काफी ठंडी पड़ रही है। अभी 2-4 दिन से ना काफी ज्यादा ठंडी हो रही है। मैंने कल ही वाला स्वेटर धुला था, सूख गया। ये काफी सॉफ्ट है और हल्का भी है, लाइट वेटेड है ये। तो ये पहनने में ना मुझे अच्छा लगता है। घर में पहने रहो और पूरा काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे चाय गर्म हो गई है, मैं चाय छान लेती हूँ। देख सकते हैं इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है। एक्चुअल में मैं गई थी ना सामान लेने, तो झूला खाली किया तो ऐसे रखा है, और मैंने सब्जी वगैरह लेके आई हूँ। देख सकते हैं सब्जी है, बल्ब फ्यूज हो गया था तो बल्ब लेके आई हूँ, वो ऊपर लगाया मैंने। चाय रखी हूँ थोड़ी सी, बॉइल हो जाए। बॉइल नहीं हुई है, बॉइल हो जाएगी, उसके बाद पीऊंगी चाय। फ्रेंड्स, रात हो चुकी है, रात के 11 बज रहे हैं और देख सकते हैं मैं आ गई हूँ बिस्तर पर सोने। तो आज मैंने दिन भर क्या किया आपने देखा, सुबह से कुछ भी नहीं की हूँ। बस सुबह खाया पिया धोया नहाया और खा पी के सो गई। शाम को गई मार्केट, मार्केट से आई और फिर खाया बनाया धोया और अब जा रही हूँ बिस्तर में सोने। बस यही रूटीन है दिन भर का, काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का। बस दिन भर उल्टा सीधा दिमाग में सोचना, यही विचार आते रहते हैं। आज गई थी मैं कुछ कपड़े डालने। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर था। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, ब्लॉग अगर मेरे चैनल में नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।